हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज़ कनिष्क कपूर और आज मैं जा रहा हूँ ग्रॉसरी। ये ग्रॉसरी के ऊपर सारा व्लॉग होगा, लाइक आपको कितनी लेनी चाहिए और किस हिसाब से लेनी चाहिए। और बस ये बैग वगैरह डाल दिया है और बस चल रहे हैं अब कोल्स या वूलवर्थ्स, दोनों जाके देख लेंगे क्या रेट है, क्या हिसाब से, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑफ्स लगती रहती हैं, तो दोनों में चेक कर लेंगे और आपको दोनों में जाके बता देंगे। और तब तक के लिए आपको मिलते हैं सीधा कोल्स में। जी आगे हैं कोल्स और मैंने अभी थोड़ा बहुत मतलब शूट नहीं किया था, पर मैंने इतना सामान ले चुका हूँ, मैंने अभी मतलब बिलिंग नहीं कराई, बस सामान ले चुका हूँ, तो मैं आपको मतलब बता दूंगा मैंने क्या क्या लिया है और विद बिल आपको प्राइसेस बता दूंगा कि मेरा कितना चलता है सामान। और तब तक के लिए आप ये थोड़ी शॉपिंग वगैरह देख लो मैंने की किया, मैं दिखा देता हूँ अपने ट्रॉली में जो कुछ भी पड़ा। अभी और सामान लेना होगा पता तो वो आप देख लो। ये चीज़ें ली हैं, अंडे, ये ऐसे दाल के पैकेट मिल जाते हैं यहाँ पे, डेढ़ डेढ़ डॉलर के होते हैं। ये दूध है, एप्पल्स हैं, बनाना है, पफ्स लिए थोड़े, ब्रेड और रैप्स होते हैं, रोटी के काम नहीं आते हैं, होते रैप्स हैं, ठीक है। तो अब एक और आधी एक आधी चीज़ और देखते हैं जो चाहिए हमें, तो मैं आपको ले दूँगा। अभी हम थोड़े से लाइक बिस्किट्स चेक करने लगा हूँ, बिस्किट्स मिल जाएँ और बिस्किट्स के आपको रेट बताते हैं। बिस्किट मतलब नॉर्मल रेंज के होते हैं और इट्स लाइक नॉट डार्क होते हैं, उसके जितने इतने महंगे नहीं होते पर ठीक ठाक रेट होता है। और कहीं बिस्किट्स होते हैं जो काफ़ी एक्जॉटिक होते हैं और वो मतलब भाई मान के चलो अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते रहोगे ना तो आपको बहुत महंगी लगेगी चीज़, जब बंदा खुद कमाना शुरू कर देता है ना तब इतनी महंगी नहीं लगती उसको। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर सम, तो आप बिस्किट देख लो, ठीक है। साथ में जूसेस वगैरह भी पड़े होते हैं, ये सारे बिस्किट हमारे ऐसे ऐसे होते हैं कि 5 के 2 मतलब 250 के 2, 125 का एक पैकेट, ऐसे ऐसे साथ लगा लो आप, ठीक है। और कुछ सस्ते भी होते हैं पर आज ऑफ कम लगी हुई है, आई डोंट नो क्यों, लास्ट टाइम मैं आया था 1 डॉलर का मिल गया था बिस्किट पर। और आगे देखें भाई क्या बनता है, ये ऐसे लगे रहते हैं। और लाइक अगर आप कुछ भी लेना चाहें लगी पैकेज लॉन्ग लाइफ मिल्क ऐसे इतने लगे होते हैं और उसका बिस्किट सस्ते भाई हम तो ले रहे हैं दोनों की जगह, जहाँ पर डील अच्छी लगेगी ले रहा है। ये लिखे हैं 300-150 का एक पैकेट ओरियो का, लग रहे हैं तो हम देखते हैं फिर। और यहाँ पे कोल्स के अपने ब्रांड के भी आते हैं बिस्किट, तो आप टेंशन होते हो वही मिल जाते हैं जो भी अच्छे होते हैं मैंने खाए हैं, बट आप वो कितना मतलब सोचते हैं कि भाई ये खाएँ ये खाएँ, इसमें जो पसंद आ रही है ऐसी बात है, जो पसंद आता है आपको ले लो भाई, एक बार ही खानी ही चीज़, उसके बाद टेस्ट करो हर चीज़, मतलब हर चीज़ टेस्ट करता हूँ, जो मेरे को अच्छी लगती है मैं वो वापस ले आता हूँ, जो नहीं लगती भाई वो छोड़ो, काम का फ़ायदा नहीं लेने का कोई। और दूध ले लिए, अंडे ले लिए, हमने वर्क लेना है स्कॉच फिंगर्स, ना भाई ना ऐसी चीज़ें नहीं खाते, अंग्रेजों के ना अपने बिस्किट्स के नाम है भाई, हमारे होते हैं नाइस टाइम, नुइस टाइम, जिम जैम, इनके नाम ही लगे पता नहीं चलता, तो बस सोचते हैं क्या लेना और आपको फिर दिखा देंगे क्या लिया। जैसे जैसे मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ ना, ये सेम चीज़ें ऐसे वूलवर्थ्स में भी लगी होती हैं, तो मैं कोल्स इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जल्दी डील्स मिल जाती हैं और अच्छी मिलती है। वूलीज में होता है कई बार नहीं लगी होती तो कई बार मतलब मजबूरी में लेना पड़ता है फिर जाकर, पर आप ना ऐसे जब भी आओगे ना ऑस्ट्रेलिया तो आप ना ऐसे वूलीज और कोल्स में कंपेरिजन करके भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं वूलीज बहुत कम गया हूँ, मेजरली मैं कोल्स, और पता नहीं क्यों आता हूँ मेरे को खुद नहीं समझ में आता है, पुलिस भी ट्राई करते हैं, पुलिस जाते हैं इसके बाद देखते हैं क्या सीन है वहाँ का, भी कुछ चीज़ पसंद आएगी तो ले लेंगे, ऑफ पे लगी हुई तो ठीक है, नहीं तो नहीं फिर भाई फल अच्छी ना बताते हैं। तो भाई बिस्किट कुछ खास लग नहीं रहे, बुलवत जाके देख लेंगे, यहाँ पे चिप्स वगैरह लगे, चिप्स देख लेते हैं भाई क्या रेट है। जैसे पफ्स लिए मैंने, ओके भाई पफ्स सेम चीज़ 1 डॉलर के वो हैं और ये 3 डॉलर के पता नहीं कितने, तो जो भी है अब आपको चिप्स वगैरह दिखा देते हैं थोड़े बहुत, इफ़ यू वॉन्ट टू सी, रुको चॉकलेट्स भी हैं ये सारी देख लो, यह है चॉकलेट्स एंड ऑल सब कुछ है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे चिप्स लगे रहते हैं जितने भी लेकिन चेक आउट रेट्स कुछ ठीक ठाक होते हैं और कुछ सस्ते भी होते हैं कुछ महंगे भी होते हैं, तो क्योंकि मैं लेता हूँ भाई जब डील लगी होती है ना हम चिप्स खा लेते हैं काफ़ी कट्ठे, जैसे आज 1 डॉलर की डील लगी है चिकोस पे, हम चिकोस खा लेते हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहो भाई, मेरे को ये चिकन फ्लेवर्ड है मतलब ये इतना से ट्राई करा बस, और भाई फिर चिकोस का बड़ा था हमने चिकोस ले ली, और एक और देख लेते हैं तो ये बॉल्स भी लेते हैं यार, चीज़ बॉल्स भी बोलते हैं काम आ जाएंगे 1 डॉलर के, और ये स्वाद होते हैं वैसे स्नैक्स के जो होते हैं ये अच्छे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, तो फिर एक ये भी ले ही लेते हैं, तो फिर आपको मिलते हैं थोड़ा पुलिस जाके उसके तो मुझे ये होता है ब्यूटी सेक्शन में रहता है, मैन फीमेल मेल फीमेल दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे चीज़ें लगी रहती हैं तो फेस वॉश लेना कुछ ब्लॉटिंग वगैरह, तो चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे ऑफ लगती रहती है जैसे अभी ये 3 चक्कर का लगा हुआ है, 7.5 का है इसमें आई थिंक हाफ प्राइस पर लगा, तो वही ट्राई कर लेते हैं लेना तो सही
देख रहे थे कौन सा देखें, तो सारे हाफ में मैन तो वही देख के क्या लेना है तो आपको बता देते हैं। लगे होते हैं यहाँ पे कर्ड ग्रीक योगर्ट ही मिलता है यहाँ पे, अब वो मेरे को पॉट सेट वगैरह नहीं पता क्या लिखा होता है पॉट सेट, तो ये रेट करते हैं यहाँ पे 390 कोई ऑफ पे लगाए होते हैं जो छोटे डब्बे होते हैं हम किलो वाले लेते हैं, तो बांग्लादेश में बड़ा लेना होता है स्टार्ट में 500 रुपये किलो 2 किलो ऐसे चलता है। और ये यहाँ पे मक्खन वगैरह है जो 5 का बना हुआ है ढाई किलो ऐसे रेट लगते हैं यहाँ पे जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट पुलिस जाके देख लेंगे अगर कुछ मिलेगा अपनी टाइप का कुछ स्नैक्स में तो मिलेंगे, जैसे बंदा सब्जियाँ नहीं लेना चाहते हैं यहाँ पे ऐसे जाते हैं तो ये हर जगह देखते हैं क्योंकि काम हो जाते हैं चार जगह $3 की होंगी अगर आपने और वास्तव लेनी है ये ऐसी होती है उसमें ये सब कुछ होता है उसमें 3 वेजिटेबल्स होती है इसमें 4-5 आलू वगैरह बताया होता है तो ये 3000 का मतलब आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जो आपको चाहिए मेरे पास खरीद सकते हैं मैं हर चीज़ में डालता हूँ हर चीज़ मतलब चावल हो गए कुछ हो गया तो चावल वगैरह में डलते रहते हैं ये चीज़ें तो काम आ जाती हैं भाई और काफ़ी देर निकल जाती है 1 किलो और भी 1 साठ की अलग अलग वेजिटेबल्स तो वो अच्छा होता है। आगे हम देखते हैं अब क्या वूलीज जाएंगे वूलवर्थ जाके देखते हैं क्या मिलता है आपको मिलते वूलवर्थ में, तो भाई कॉल से आ गए हैं बाहर अब जा रहे हैं वूलवर्थ तो वूलवर्थ दो में देख लेते हैं क्या मिलता है कुछ मिल जाए यार अच्छा सा। और ये अभी इतना सामान मेरा आया $26 का आपको बताते हैं क्या कितने का है और ये मतलब मेरा सामान चलेगा कुछ मतलब बीच में एक्सेसरीज भी तो हैं अपनी डिओड्रेंट वगैरह लिया दही मेरा निकल जाता है हफ्ता भी निकल जाता है काफ़ी देर और ब्रेड अंडे निकलते 2-4 दिन बस अंडे बार बार लेने जाने पड़ते हैं तो वो देख लेना मतलब ये खर्चा तो भाई पड़ेगा 4-4 दिन का खर्चा आपके पास दूध का कोई फ्रूट वगैरह कुछ भी खाना है तो वो खर्चा तो आएगा ही आएगा और बस यही खर्चे होते हैं भाई ब्रेड और रोटियां अगर आपको बनानी आती तो बहुत वेल एंड गुड बनानी मेरे को भी आती है बट मेरा घर ना यार गंदा बहुत है तो मैं बनाता नहीं उसके ऊपर मतलब मेरे पास वो भी नहीं है कि जिसके ऊपर बनाते हैं वो प्लेटफॉर्म सा जो तो मेरे को बड़ा वो दिक्कत आती है और मैं ऑनेस्टली कहूँगा मैं आटा वाटा सब कुछ ले आया था स्टार्टिंग में $80-90 का तो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ सामान चावल और आटा भी पड़ा हुआ हम बनाया नहीं चावल तो भाई निकल जाते हैं 5 किलो ले आओ $16 के होते हैं वो काम बड़ी देर निकल जाते हैं। और आपको वूलीज का रेट बताते हैं वूलीज का मेरे पास एक्चुअली एक कार्ड भी पड़ा है वो शायद स्कैन करके 5% ऑफ हो जाती है देखते हैं वो बल्क पे ज़्यादा होता है दो तीन चीज़ें लोगे भाई थोड़ा सा ही होता है बल्क पे लोगे ना तो भाई बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाती है। और वो मेरे पास कार्ड ऐसे आया था कि मेरा कोई दोस्त था वो काम करता था वहाँ पे और उसका वो ऐसे स्कैन कोड होता है वो सेंड कर दिया तो वो काम आ गया था बस आपको वूलीज जाके दिखा देते हैं जी आ गए हैं वो लोग और अब यहाँ पे आके थोड़ा बहुत देख लेते हैं मैंने कैप्सिकम लिए यहाँ पे कैप्सिकम वहाँ पे महंगे थे यहाँ पे सस्ते थे यहाँ से ले लिए और कुछ देख लेते हैं भाई कुछ मिल गया अच्छा सा खाने खुने को ढूंढ स्नैक्स टाइप कि वो काम आता है भाई जब बंदा पढ़ रहा था कुछ खाने का मन ना कर रहा हो या बनाने का मन कर रहा ना तो स्नैक्स काम आ जाते हैं तो देखते हैं कुछ शायद मिल जाए ऑफ लगी होती है हर जगह तो अब देखते हैं और सीरियल्स म्यूसली देखते हैं भाई देख लो भाई सिमिलर ही है और वहाँ पर भी ऐसे ही लगी होती चीज़ें यहाँ पर भी वैसे ही जैसे ही लगी होती हैं यहाँ की ब्रेड इज़ लाइक 160 और कोल्स की लाइक 130 दैट्स टोटली 30 सेंट्स का डिफरेंट है और भाई ये ऐसा रोड्स हैं और ये रोल्स मिनी रोल्स वहाँ पर लगे होते हैं और बिस्किट की सेक्शन भी तो भाई अब हम आए हैं बिस्किट्स के सेक्शन में और देखते हैं भाई यहाँ पे अगर कुछ सस्ता है तो बिस्किट लेते हैं नहीं तो भाई फिर घर चला वही सेम कोल्स जितना प्राइस लगा हुआ है और देखते क्या लेते हैं आपको हम बता देते हैं भाई ये सेम ही होता है जैसा कोल्स में लगा था ना सारा सामान लाइक सब कुछ ऐसे ही लगा था और थोड़ा रेट्स का डिफरेंस है बस बाकी सब कुछ सेक्शन अलग अलग हैं वो हम चेक कर लेते हैं और ये आप देख रहे हो ऐसा है वही और पता नहीं मैंने सुना पुलिस का क्वालिटी वही अच्छा होता है चलते हैं घर और पेमेंट करके हम घर चलते हैं और ग्रॉसरी शॉपिंग पड़ चुकी है हमें महंगी ठीक है तो कुछ नहीं होता भाई मिलते हैं भाई ग्रॉसरी की होगी शॉपिंग पूरी अब घर जाके आपको बता दें कितने पैसे लग गए और कितनी देर तक चलेगा ये सामान और आपको वो भी बता दूँगा कि इंडियन ग्रॉसरी कहाँ से मिलेगी और कितनी मिलेगी कितना ले लो आप हिसाब का वो मैं बता पाऊँगा क्योंकि वहाँ पे मैं आज जा नहीं रहा क्योंकि मेरे पास सामान पड़ा है वो इंडियन ग्रॉसरी तो आई लेट यू नो कि इंडियन ग्रॉसरी कहाँ से मिलती है इंडियन ग्रॉसरी स्टोर आप गूगल पे भी लिखोगे तो वो आ जाएगा तो वो डायरेक्शन सब देख लेना मैं जहाँ पे जाता हूँ वो रसोई मास्टर है और दैट इज़ एन इंडियन ग्रॉसरी स्टोर सस्ता और अच्छा यार ट्रॉली ख़राब है मेरी टेढ़ी घूमी जा रही बार बार तो मतलब घर चल रहे हैं घर जाके जाते खाना पीना खा के और कुछ नहीं चाहिए तो आपको मिलते हैं घर तो जी अब जा रहे हैं यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वो मतलब मैंने ना एक साइन की थी अपनी एक चीज़ को लाइक ऑनलाइन फूड वाउचर्स जैसे यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है जैसे वाउचर्स दे रही है आजकल
स्टूडेंट सपोर्ट के लिए, तो मैंने ना ऐसे अप्लाई किया था, तो मेरे को ना कहते गए आपके वाउचर आप एलिजिबल नहीं हो वाउचर्स के लिए, क्योंकि वो खाली नेथन या लोगन कैंपस के लिए या गोल्ड कोस्ट कैंपस के लिए नहीं है। तो कहते गए ऐसी सिमिलर फैसिलिटी, जैसे वो ग्रॉसरीज के वाउचर्स होते हैं ना, तो कहते ऐसी सिमिलर फैसिलिटी वो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ, आपको मतलब 3-4-5-6 कुछ ऐसे फ्रोजन फूड दे देंगे जिसको गर्म करो और आप खा लो, बस बनाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अब मेरे को ये नहीं पता कि बनाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, अब ये जाके देखना पड़ेगा। तो बस अब जाके देख रहे हैं क्या देते हैं और आपको बता देते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। उन्होंने 10:30 का टाइम दिया था और इट्स लाइक अराउंड, पता नहीं नज़र नहीं आ रहा टाइम, तो अभी जाके देखते हैं कितना होगा। तो मतलब 10:30 से 11 बजे का टाइम स्लॉट है मेरा, मेरे को इसके बीच बीच में पहुंचना पड़ेगा, और 10 तो बज चुके हैं इतना मैं कहता हूँ। तो बस 10:30 बजे तक पहुँचते हैं यूनिवर्सिटी और सामान लेके घर आके आपको बता देते हैं फिर भाई क्या मिला। वही उधर से मिल रहा भाई, फूड कोर्ट है ना जो अपना, जो मैंने आपको दिखाया था पहले, उस फूड कोर्ट एरिया में कैफे है एक, वहाँ से दे रहे हैं, देखो क्या बनता है, देखिए आप लेके आते हैं। तो गाइस लिटरली 5 मिनट का काम था यूनिवर्सिटी में, सामान उन्होंने दे दिया है, आई डोंट नो क्या है, हम घर जाके देखते हैं भाई। हमने वेजिटेरियन फूड मांगा था तो वेजिटेरियन दिया, क्या पता कच्ची सब्जियां ना दे दे भाई, अंग्रेजों का यही सारी सीन है यहाँ पे। तो बस अब चलते घर और घर जाके आपको बताते हैं भाई क्या क्या मिला है और साथ में ग्रोसरीज का बताते हैं आपको। आज आ चुके हैं घर, अब आपको मैं बताता हूँ मैं यूनिवर्सिटी से क्या लाया था। लाइक यूनिवर्सिटी से मेरे को ऐसा ठेला भर के दे दिया है, तो इसमें आई डोंट नो क्या है, निकालते हैं भाई, ये पता नहीं क्या चीज़ है, पढ़ सकते हो, लिखा हुआ हर्ब्ड वेजिटेबल कैसरोल, हर्ब्ड वेज, आपको उल्टा नजर आ रहा होगा क्योंकि फ्रंट फेसिंग कैमरा, तो हर्ब्ड वेजिटेबल कैसरोल है। इंग्रेडिएंट्स कैप्सिकम, स्वीट पोटैटो, कैरेट, पार्सले, शैलट, जुकीनी, टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, सेज पोटैटो पाउडर, कैशियो आलमंड, पीनट क्रीम, सॉल्ट, क्रैक्ड पेपर एंड वाटर। भाई बहुत ठंडा है और पता नहीं क्या कैसे खाना है, अब पता नहीं कुछ इंट्रेक्शन तो दिए, कहते 1 सेंटीमीटर पानी लो उसमें ये डाल दो, एक ये चीज हो गई है, रिकॉर्ड है साथ में ये भाई दूसरा है, सारा जमा हुआ भाई, ये जमा हुआ लिटरली फ्रोज जा पूरा तेरा ठंडा। ये है हर्ब्ड टर्मरिक वेजिटेबल कैसरोल, और वो क्या था, वो हर्ब्ड वेजिटेबल है, ये हर्ब्ड टर्मरिक है, टर्मरिक तो उसमें भी लिखी, चल जो भी है, ये दो चीजें ऐसे हो गई, सब्जियां ही है भाई, रोटियां अपनी खाओ सीधी बात। एक एप्पल बेरी ब्लिस बॉल, ब्लिस बॉल भाई स्वीट्स। एक ये है कैरमल प्रोटीन बॉल, प्रोटीन बॉल भैया ऐसे वो नहीं लगते जैसे आम पापड़ वगैरह आता होता वैसा है। और एक ये है न्यूट्रीशन इतना सा पैकेट, उसने कहा था कुछ भी उठा लो, तो मैंने ये उठा लिया, मैंने कहा काम आ जाएगा, दूध में डाल के पी, कॉन्फ्लेक्स तो है हमारे पास। तो भाई ये ही था प्री मील जो कहते हैं यूनिवर्सिटी वाले देते हैं, और लाइक वेरी गुड इनिशिएटिव है, अच्छा, और इसको रखो साइड पे और आते हैं अपने असली ग्रॉसरी मुद्दे पे, जो अपनी ग्रॉसरी थी जो हम लेके आए थे, ग्रॉसरी जो हमारी है ये जो लेके आए थे। तो भाई ये इसके बिल में हालांकि बिल की ख़राब है क्योंकि भाई थोड़ा वेट वाला सामान भी था बीच में, तो भाई वो उसके कारण थोड़े बिल फट चुके। फिर सबसे पहले शुरू करते हैं, आपको क्या चाहिए होगा भाई, हर 4 दिन में ना आपको ज़रूरत पड़ेगी, हर 4 या 5 दिन में दूध की, ठीक है। तो दूध यहाँ पे ऐसे मिलेगा, ऐसे ये भाई 2 लीटर है, ठीक है, ये 2 लीटर आपको पड़ता है $2.39 का, जो कि आई थिंक सो जायज़, मेरे को नहीं लग रहा यार, जैसा भी आपको लगे यार, लेना तो है ही ना, दूध पिए वगैरह रहते थोड़ा बंदा, ठीक है। तो दूध इज़ अ मेजर जो लेना ही पड़ता है बड़े बार, अगर आप 3 लीटर लोगे, 3 लीटर होता है 3.5659 का, 360 का होता है 3.60, ठीक है। अंडे सबसे ईजिएस्ट वे खाना खाने का, पेट भरने का, तो अंडे भी ज़रूरी हैं, तो भाई ये भी आ जाते हैं कुछ $3.70। ब्रेड ये आती है, ये मतलब बड़ी ब्रेड है, और लाइक ये आती है 130 की 1.30। और भाई मैं साथ में कोल से और क्या क्या लाया था आपको बता ही देता हूँ, ये पफ्स वगैरह लाया था मैं थोड़े, ये चीटोस, तो ये $1 के हैं भाई, सेल लगी रहती है कोल में वूलवर्थ पे, कुछ बंदे ऑफ पे देते हैं, तो आप वो बंदा चेक कर सकता है, ठीक है। तो ये मैं लेके आया हूँ, मतलब 11 आइटम्स हैं टोटल, बनाना है, योगर्ट है, हाँ, दही मेरा फ्रिज में पड़ा है, तो भाई मतलब दही होता है यहाँ पे, आपको मैंने वीडियोस में दिखाया है, शायद क्लिप्स में दिखाया हुआ कैसा दिखता है वो, ऐसे पॉट सेट होता है, एक नेचुरल होता है, एक लाइट होता है, तो भाई मैं नेचुरल खाता हूँ, तो नेचुरल इज़ अराउंड 390 हाँ, या भी 390 है। तो भाई बस एक बनानास थे, बनानास का रेट चेंज करता रहता है यहाँ पे टाइम टू टाइम, कभी $2 पर केजी लग जाते हैं, यहाँ पे केजी के हिसाब से मिलते हैं, दर्जन के हिसाब से नहीं मिलते,
ठीक है, तो मैं लाया था 1.3 किलो और $4 के पड़े मेरे को, क्योंकि ठीक है भाई खाने खाएंगे, और ब्रेड होगी, और मैं एक दाल का पैकेट लाया था, वो मैंने दिखाया था आपको जैसे, वो भी $1.5 का था, तो ऐसे मिल जाते हैं, और ये चिप्स वगैरह थे, बिस्किट्स और टिम टैम्स वगैरह वो मैं खा चुका हूँ, बड़े स्वाद होते हैं। तो ये एक हो गया, वूलिस से मैं लाया था कैप्सिकम, क्योंकि वहाँ पे सस्ते लगे थे 360 के, ठीक है, और मतलब ये टोटल मेरा खर्चा हो गया था $37 का, और ये खाली चार पाँच दिन भी नहीं, मतलब चिप्स चिप्स तो चल एक वो अलग सी चीज़ है, स्नैक्स है, पेट जब नहीं बनाने का मन करा तब खा लो थोड़े बहुत, तो एपेटाइजर ही कहते हैं जिसको। और ये तो मतलब जैसे दूध ब्रेड है, ये तो मेरे 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं चलती, और इनकी एक्सपायरी हो जाती है भाई। देखो जैसे ये दूध है, ये मैंने अभी खोला नहीं है, मेरे पास पिछला भी पड़ा था, तो इसकी 19 जून है और आज हो चुकी है 12, तो ये 19 जून को एक्सपायर होगा, तो ये 3 दिन से ज़्यादा चलेगा नहीं। तो अगर आपने इंडियन ग्रोसरी लानी है, मैं आपको इंडियन ग्रोसरी भी दिखा देता हूँ, जैसे ये मैंने खोल के रखी है, ये यहाँ पे ऐसे इंडिया गेट बासमती राइस भी मिल जाते हैं, तो आप ये इंडियन ग्रोसरी से ही मिलेंगे, कभी कभी कोल्स पे भी लगे होते हैं, तो कोल्स पे महंगे लगे होंगे। ये मैं लाया था $16 के 5 किलो, तो मतलब अभी तो चल रहे हैं, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है इसको लाए, और चावल तो मैं खाते रहता हूँ, क्योंकि चावल तो बहुत सिंपल चीज़ है बनाने के लिए, दही के साथ खाओ आराम से, और आटा था, आटा ऐसे ही पड़ा है, और भाई यहाँ पे गुरुद्वारे होते हैं, गुरुद्वारे अभी सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो भी ऐसे कोई राशन पानी भेज देते हैं, जैसे ये भेज देते हैं, जैसे जीरे वगैरह भेज देते हैं, स्पाइसिस वाइसिस पास्ता ऐसी चीज़ें भेजते रहते हैं, तो वो अच्छा है भाई, उनको बस आपने मैसेज करना कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो आपको ये बता देंगे कि मैं इस टाइम पे आ रहा हूँ, तो वो आपको सपोर्ट कर देंगे, जिसके जिस भी कौन सी चीज़ चाहिए आप, फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी तक सब कुछ। और अब देखो ये मील हमने कैसे खाना है, इसको फ्रीजर में रखना है। तो बस यही थी ग्रोसरीज, और हफ्ते की ग्रोसरी अगर आप ले भी आओगे ना, तो लाइक $150 की इकट्ठी ग्रोसरी ले आओगे ना, मतलब ये खर्चा छोड़ के, लाइक दूध ब्रेड वगैरह छोड़ के, मतलब अगर पल्सेस वगैरह की बात करते हैं, या कुछ सॉल्ट पेपर जो भी आपका जो मसाले मसूले रिक्वायर्ड है, ग्रोसरी वो मेन, जैसे सब्जी भी भाई बार बार चाहिए होती है, तो वो आप मतलब वो चीज़ निकाल दो, और उसके अलावा भी अगर आप $100 से $120 की ग्रोसरी ले आओगे ना, तो वो भी आपकी महीना से ऊपर चल जाएगी। ठीक है, मेरे को 3 महीने हो गए, मेरे पास ऑयल भी पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, मतलब मैं एक ही बारी लाया था ये सारी चीज़ें, पेपर सॉल्ट वगैरह जो भी है, 3 महीने हो चले हैं, ये सब कुछ पड़ा है भाई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खाते हो, आपकी हैबिट डाइट कितनी है, आप कितना वो मतलब समझ सकते हो यार, आप रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी, तो बस आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। और बस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को, फिर गलती होगी यार, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करके बताएं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और नहीं लगी, मेरे को बताएं, और मेरे प्रोज एंड कॉन्स मेरे चैनल के बारे में आप जरूर बताएं, कमेंट्स में बता दिए या मेरे को DM कर दिए, मैं जरूर इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। और तब तक के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय।